और इस ओर को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, आप तो लोकतंत्र सेनानी हैं, मैं आपकी उम्र का सम्मान करता हूँ, आपकी सहजता सरलता का भी सम्मान करता हूँ और हमेशा आपको सम्मान भी देता रहा हूँ, इसलिए भी क्योंकि इस माननीय सदन के देश के सबसे बड़ी विधानसभा के स्पीकर के रूप में एक शानदार काम आपने किया, एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक लंबे समय में संघर्षशील जीवन एक सामान्य परिवार से उभर करके आप आगे बढ़े और इसलिए कभी कभी सही बात बोलने की हिम्मत भी कर पाते हैं। लेकिन आपने लोकतंत्र सेनानी कहा अपने आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था आज उसी के साथ आप मिलकर के क्या काम कर रहे हैं और क्या करते रहे, क्या करते रहे आप लोग, तो हमारे बजट पर हमारी सप्लीमेंट्री डिमांड पर आपने उंगली उठाई। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। चार ठग थे, एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सा पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोलें कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। वो बोलता है, उसको भी डांटता, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है, फिर चौतीसरा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया, यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया, कहां गया 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रहेगी, 27 में सपा चट। 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया। और मैं तो आप सबसे कहूंगा, एक बार जाइए जनता जनार्दन के सामने, पूछिए उनको कि भाई 1 लाख का हिसाब मांगे इन लोगों से, पैसा गया कहां, कौन खा गया, खाने वाले लोग कौन है 1 लाख का। दूसरा, संविधान का गला घोटने वाले लोग कौन थे, और कहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो संविधान समाप्त कर देंगे। मोदी जी तो 10 वर्षों से हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जितना सम्मान मोदी जी ने किया, पंच तीर्थों का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थल मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए जहां उन्होंने अपने उच्च शिक्षा अर्जित की थी इंग्लैंड की, उस मकान को खरीद करके अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की और उसके लिए इंडिया हाउस के रूप में उसे स्थापित करके इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक स्मारक इंग्लैंड में भी बनवाया और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, ये मोदी जी के कारण हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना सार्वजनिक जीवन दिल्ली के अंदर जिस मकान में रहकर किया था, उससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने किया।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बौद्ध धर्म यानी दीक्षा जहां नागपुर में जिस स्थल पर ली थी उसे भव्य स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चैत्य भूमि मुंबई को भव्य स्मारक के रूप में स्थापित करने का काम मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार ने किया। मोदी जी को आप यहां पे मोदी जी के बारे में गलत सूचनाएं देते रहे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने वाली कांग्रेस आज जनता को गुमराह करने में सफल हो गई है। वही पंचतंत्र की कथा मुझे याद आ गई, आरक्षण समाप्त कर देंगे। आरक्षण मैंने तो आपके सामने एक झलक पैदा प्रस्तुत की, आपके समय ओबीसी के जितने छात्रों की समाजवादी पार्टी के समय जितने भी नियुक्तियां हुई हैं 27 फीसदी भी उसमें आरक्षण नहीं मिला है। 27 फीसदी भी किसी भी नौकरी को आप उठा करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं 27 फीसदी भी ओबीसी के छात्रों को नौकरी नहीं मिली, पिक एंड चूज होता था। क्या ये सच नहीं? आज जिस तहसीलों की आप बात कर रहे हैं यहां पर भतीजा और चाचा की एंड कंपनी वसूली के निकली थी और लेखपालों की तैनाती उस आधार पर हुई थी। आज तो नहीं है, आज तो हमने 5,500 लेखपालों की तैनाती दी है, एक भी जगह कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। जब ये नौजवान जाएंगे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप अंदर बोल देना, पढ़ लीजिए आप, उसके बाद बोले। हाँ अब बोलेगा, मैं आपकी बात को सुनूंगा, लेकिन मैं केवल बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये पंचतंत्र की कथा को क्यों दोहराने का काम कर रहे हैं, कथा फिर से पूरी नहीं होने वाली है। याद रखना हमारी सरकार में मैंने लोक सेवा आयोग के आंकड़े आपको दिए हैं और मैं फिर दावा ठोक करके बोलता हूं 27 फीसदी नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई नियुक्तियां हुई हैं किसी भी पद पर हुई हैं SC ST OBC की अगर आप नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50 फीसदी नहीं 60 फीसदी से अधिक नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हुई है। 60 फीसदी से अधिक नियुक्तियां हर एक स्तर पर हमने किए हैं और ये सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं, जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पर इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। यह लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, यह प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं? इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरह आप ध्यान आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, उसका समय पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। और इसीलिए हम लोग तो इस बात के पक्षधर हैं और वह ये, मैं फिर भी आपसे कहूं, आप लोगों से कहूंगा।